In the name of Allah, who is the only power in this universe to whom we surrender. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabse pehle main Government College Lahore Sawabi ki management ka principal sahab ka shukriya ada karta hoon ki mujhe yahan par invite kiya aur mujhe mauka diya bolne ke liye. Bahut bahut shukriya aap sab logo ka bhi. Aaj main aap logo ko batana chahunga. I would like to tell you about the heat of life. Ek sher hai ke ya rab dil muslim ko wo zinda tamanna de jo qalb ko garma de aur rooh ko tadpa de. Ab yahan par jo shair hai usne qalb ko garmane aur rooh ko tadpane ki baat ki hai. Isse murad kya hota hai? Qalb ko garmane se murad passion aur wo passion ke jab aap अपनी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हो और फिर मेहनत करते हो दिन रात उस मकसद तक पहुंचने के लिए. पैशन वो है कि जब आपका वो काम जो कि आपके लिए बर्डन था, होता है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता. तो पैशन वो चीज़ है कि जब आपका किसी काम में दिल नहीं लगता और जब आप उसमें पैशन को इंक्लूड करते हो तो फिर वो बर्डन, वो काम जिसमें आपका दिल नहीं लगता था, बर्डन था, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है. और एंटरटेनमेंट में कोई ख़ास टाइम नहीं होता. फिर आप किसी माहौल को नोट नहीं करते, वक्त को नोट नहीं करते, केयर नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ का केयर करते हो, एंड दैट इज़ टू अचीव योर ड्रीम. पैशन वो है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हो, ऑप्टिमिस्टिक से मुराद आप पॉजिटिव बनते हो और पॉजिटिव सोचते हो और पॉजिटिव करते हो और आप फिर अपने मकसद के लिए अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज का इंतजार नहीं करते बल्कि आप वक्त को उठाते हो और अपने लिए खुद ही अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हो. दिस इज व्हाट पैशन इज, दिस इज व्हाट कल्ब को गरमाना इज. सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हीट ऑफ लाइफ. मुझे कोई बता सकता है हीट की स्पेलिंग? H E A T, right? So the word H, the first one here stands for health. हम लोग ये लफ्ज बार बार सुनते आ रहे हैं, that health is wealth. सुना है कि नहीं? बहुत सुना है. लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं that health is the biggest wealth. सेहत जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. जब आप सेहतमंद होते हो तो क्या होता है, आप एक्टिव होते हो. जब आप एक्टिव होते हो तो आप हर एक चीज़ को प्रॉपरली करते हो और हर एक चीज़ में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो. तो अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप लोगों में से कौन कौन अपने आप को सेहतमंद रखता है? कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है, हाथ उठा लें. माशाल्लाह सब रखते हैं. अच्छा, अभी वो लोग हाथ उठाएं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक जानते हैं, पेप्सी, कोका कोला, वो लोग हाथ उठाएं कौन कौन पीते हैं. उठा ले, उठा ले, ना शर्माए, खैर उठा ले. अच्छा, तकरीबन सब लोग. अब वो लोग हाथ उठाएं जो कि लेस खाते हैं या वेवी पापड़ खाते हैं. ना शर्माए, उठाएं, सब लोग उठाएं हाथ जो कौन कौन पापड़ खाता है, बाजारी चीजें खाता है. चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस बस बस, थैंक यू. माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो. अच्छा, आप लोगों में से अब ये वो लोग हाथ उठाएं जो कि सुबह सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, बात यह है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. एक मिनट, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. मैंने सवाल किया कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने ये पूछा कि कौन कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने पूछा कौन कौन लेस खाता है, सब ने हाथ उठाया. फिर पूछा कौन कौन जॉगिंग के लिए जाता है, चार पांच बंदों ने हाथ उठाया और किसी ने हाथ नहीं उठाया. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो. तो इसको, इस प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करो. अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो. मैं यहाँ पर किसी डाइट या किसी उस चीज़ों के हवाले से बात नहीं करने चाहता. जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. तो अपने आप का ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि
एक बेहतरीन दिमाग, वो दिमाग जो कि कुछ नया सोचता है, वो दिमाग जो कि आपको मजबूर इस बात पे करता है कि आपने अपने साथ और लोगों को भी उठाना है और उनकी तकदीरें भी बदलनी है, वो दिमाग जो कि आपको इस बात पर मजबूर करता है दैट यू हैव टू डू समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव इन योर लाइफ, वो दिमाग किसी आम बशर में नहीं होता। वो हेल्दी दिमाग उस जिस्म में होता है कि जो हेल्दी होता है। तो अपने आप का ख्याल रखना शुरू करो, अपने आप को हेल्दी बनाना शुरू करो, और जब आप हेल्दी बनोगे तो तब आपका दिमाग हेल्दी बनेगा, जब आपका दिमाग हेल्दी बनेगा तब आप एक्टिव रहोगे, और सिर्फ एक्टिव नहीं रहोगे बल्कि आप प्रोएक्टिव बनोगे। एक्टिव वो बंदा होता है जो कि अपने अपने आप को तब्दीली के साथ तब्दील करता है, लेकिन प्रोएक्टिव वो बंदा होता है कि जो कि तब्दीली से पहले अपने आप को तब्दील करता है। सो बी प्रोएक्टिव नॉट एक्टिव। दूसरा वर्ड क्या था हेल्थ का, सॉरी हीट का, ई। सो द वर्ड ही हियर स्टैंड्स फॉर एथिक्स। हम कहते हैं ना कि अपनी मॉरल्स को सीखो, अपने मैनर्स को ठीक करो, अपनी वैल्यूज जो है उसको सीखो और वैल्यूज को समझो। तो यहां पर मैं आपको एथिक्स के हवाले से बात करना चाहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है दैट आई हैव बीन ओनली सेंट फॉर द पर्पस फॉर परफेक्टिंग द गुड मॉरल्स, जिसका मफहूम यह है कि मुझे यहां पर सिर्फ इसीलिए भेजा गया है कि लोग मैं लोगों की अच्छी इखलाकियात को बेहतर कर सकूं। तो अपनी जो इखलाकियात है, जो मैनर्स है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। नबूवत से पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वो सच बोलते थे, सच्चाई के रास्ते पर थे, हक पे थे, और वो न सिर्फ लोगों की जो फिजिकल अमानत होती है बल्कि जो बातों की जो अमानत होती है उसका भी ख्याल रखते थे। तो लोग उनको सादिक और अमीन और अमानतदार और दयानतदार भी कह के पुकारते थे। तो अपने आप को, अपनी जो एथिक्स है आप लोगों की, जो मैनर्स है आप लोगों की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। सच बोलना शुरू करो, सच्चाई के रास्ते पर रहो, ईमानदार बनो, और कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना देखो। एक दफा रोमन जो एम्बेसडर थे, रोमन एम्पायर के एम्बेसडर मदीना आए, तो उन्होंने मदीना के लोगों से पूछा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महल किधर है, क्योंकि उनके पास तोहफे थे, तोहफे पेश करने थे। मदीना के लोगों ने बताया कि उनके पास तो कोई महल नहीं है। तो फिर उस रोमन एम्बेसडर वो हैरान हुआ, उसने पूछा तो फिर किधर है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? कहते वो देखो सामने पत्थर पर जो बंदा लेटा हुआ है, जो सोया हुआ है, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। कितनी बड़ी बात है। वो शख्स जो कि 22 लाख मुरब्बा मील किलोमीटर पर हुकूमत कर रहा है और उसका कोई महल नहीं है बल्कि एक चट्टान के ऊपर सो रहा है। रिवायत में यह आता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रोज सुबह जो है वो कुएं से पानी निकालकर बाल्टी भरते थे और बेवा औरतों के घर पे जाके पानी भरते थे। और यह भी कहा गया है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कोई शख्स जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल जाता था तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर पे जाके उनके घर के लोगों से कहते अगर आपको आपके बेटे को ख़त लिखना हो तो मुझे बता दें, आपको लिखना नहीं आता होगा, मैं आपके लिए ख़त लिखता हूँ और मैं आपके लिए ख़त उस तक पहुँचा देता हूँ। तो ये होती है इंसान की फीलिंग्स और मैनर्स। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप किसी को सुपीरियर और इन्फीरियर में ना देखो, आप किसी को बड़ा छोटा ना देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे में फरमाते हैं कि कोई इंसान एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, और अगर है तो अपने तक्वे और अपने अच्छाई के बुनियाद पर है। तो सच्चा बनो, ईमानदार बनो, टॉलरेंस पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर, और सब्र करना सीखो। ये चार चीज़ें जब आप अपनी किरदार में बिल्ड करेंगे, जब आप अपनी कैरेक्टर में बिल्ड करेंगे, जब आप अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करेंगे, तो आपको वो हम दुआ करते हैं ना कि हदिना सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हम सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो हम दुआ करते हैं ना कि ये दुआ हमने की हदिना सिरात मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम पर आप चलना तब शुरू करते हो, हक के रास्ते पे आप चलना तब शुरू करते हो जब आप सब्र पैदा करते हो, टॉलरेंस पैदा करते हो, सच्चाई पैदा करते हो और ईमानदारी पैदा करते हो। हम लोग तो कहते हैं ना बड़े फख्र से कि मैं झूठ नहीं बोलता। एक तो वो झूठ होता है जो मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन एक वो झूठ होता है जो मैं अपने आप से कहता हूँ। अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में।
हमारा मकसद कुछ और होता है, हम बनना कुछ और चाह रहे होते हैं, अपने दिमाग को किसी और चीज़ पर फोर्स कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लाई। एक चीज़ है, मौजूद है, हमने अपने आप को जो है हम अपने आप पर जोर डालते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ लाई। ये भी झूठ है और ये भी धोखा है। तो झूठ सिर्फ मैं आपके साथ नहीं कहता, बल्कि झूठ अपने आप के साथ भी कहता हूँ। तो अपने साथ भी झूठ ना बोलो और किसी और के साथ भी झूठ ना बोलो। एक यहाँ पर एक शायर फरमाता है कि घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मैं इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो तीसरा वो है अल्फाबेट है, दैट इज ए। सो हियर द वर्ड ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक्वायर नॉलेज एंड गिव इट टू अदर्स। इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ। जब भी आप कोई किसी चीज़ के हवाले से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, हासिल करते हो इल्म, तो कोशिश करो अपने साथ जो भाई हैं आपके उनको भी सिखाओ। बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द बिगेस्ट चैरिटी इज व्हेन अ मुस्लिम गेन्स नॉलेज एंड देन गिव्स इट टू हिज मुस्लिम ब्रदर। कहते उसका मफहूम यह है कि सबसे बड़ी खैरात वो है कि जब एक मुसलमान इलम हासिल करता है और फिर उसे अपने मुसलमान भाई को भी डिलीवर करता है, उसे भी देता है। तो जो इलम आप हासिल करते हो, कोशिश करो कि दूसरों को सिखाओ। क्योंकि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो बिलीफ का कॉन्सेप्ट है, सेल्फ बिलीफ का कॉन्सेप्ट है, और जो ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बिलीफ से मुराद अपने आप पर यकीन रखना कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और ऑप्टिमिज्म से मुराद अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव इंप्लीमेंट करना अपनी जिंदगी में। देखो अवेयरनेस कैसे फैलती है, एथिक्स की मैंने आपको बात की, तो मैंने आपको इसीलिए इतना फोर्स किया एथिक्स पे, क्योंकि जो काम आप लोग कर रहे होते हो तो आपके इर्द गिर्द और लोग आपको नोट करके वो भी ये काम कर रहे होते हैं। अभी मैं जाता हूँ और बड़ों को जो है पानी जो है पेश करता हूँ, बड़ों की इज्जत करता हूँ, मैं छोटों पर शफकत करता हूँ, इर्द गिर्द मेरे लोग बैठे हुए हैं वो भी मुझे देख रहे हैं, यार ये एक बच्चा है, बड़ों की इज्जत कर रहा है, छोटों पर शफकत कर रहा है, तो वो भी देख के इंस्पायर हो जाते हैं, होते हैं ना, वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप अच्छा करते हो तो वो भी अच्छाई की तरफ आते हैं। तो जब आप अपने आप को तब्दील करोगे तो आपको देख कर आपके घर वाले तब्दील हो जाएंगे, आपके घर वालों को देख कर आपकी पूरी मुआशरा जो है वो तब्दील हो जाएगा, उस मुआशे को देखकर पूरा एक शहर तब्दील हो जाएगा, उस शहर को देखकर पूरा एक सूबा तब्दील हो जाएगा, उस सूबे को देखकर पूरा एक मुल्क तब्दील हो जाएगा, और एक और उस पूरे मुल्क को देख के पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी। तो सोचे एक अपने आप को बदलने से पूरी दुनिया आपने बदल दी, कैसे? तो जो काम आप लोग करते हो तो एक्शन से आप और लोग को सिखा रहे हैं। देयर इज अ कोटेशन दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अल्फाज से ज्यादा मायने आपका जो किरदार है, आपकी जो एक्शंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो रखती है। तो अवेयरनेस आपने ऐसे फैलानी है कि जो चीज़ आपने सीखा उसको अपनी जात के अंदर इंक्लूड करो, अपनी सेल्फ के अंदर उसको इंक्लूड करो। अच्छाई आपने सीखी, अच्छा बनो। ईमानदारी आपने सीखी, ईमानदार बनो। अमानतदारी आपने सीखी, अमानतदार बनो। दयानतदारी सीखी, दयानतदार बनो। ये चीज़ें आप अपने आप में इंप्लीमेंट करोगे, आपके इर्द गिर्द के लोग देख कर आपसे इंस्पायर होकर तब्दील करना शुरू कर देंगे। सो अवेयरनेस आप ऐसे फैला सकते हो अपने एक्शंस के जरिए से। तो दो चीज़ें आप लोग खुद से, टीचिंग से मेरा मुराद ये नहीं है, अवेयरनेस फैलाने से मेरा मुराद ये नहीं है कि आप मार्कर उठाओ, व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ, लिखना शुरू करो और समझाना शुरू करो कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और एनीथिंग। समझाने से मेरा मुराद ये नहीं है, बल्कि सिखाने से, समझाने से, अवेयरनेस फैलाने से मेरा मुराद, इस तरह मैंने एक्शंस के बारे में आपको बताया। तो जो चीज़ आप सीखते हो उसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद लोग आपको देखकर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप में यकीन पैदा करो, फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्ट बनो, पॉजिटिव बनो। आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो बिलीफ है उसको देखकर पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी। लास्ट अल्फाबेट क्या है? टी। द वर्ड टी stands for technology here. See, technology is the core nowadays. हर एक चीज़ मैं समझता हूँ उसमें technology included है।
पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. आप जहाँ भी जाते हो आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़रूर मिलेगी. आप जिस दुकान पे भी जाते हो वहाँ पे आपको कोई मशीनरी ज़रूर मिलेगी. और अब देखें, टेक्नोलॉजी ने भी जो फील्ड्स है दुनिया की उसको ग्रैस्प कर लिया है. अभी देखें, पहले हम यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में हम सिविल इंजीनियरिंग करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते थे, हम जो है अभी भी लोग करते हैं. सो टेक्नोलॉजी ने इन सारी फील्ड्स को अपनी तरफ खींच लिया. अभी टेक्नोलॉजी में भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी सिविल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड जिस मशीन पे होता है चेक करें वो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है. अब जिंदगी में हर एक फील्ड में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एवरीथिंग ईजियर फॉर अस. हर एक चीज़ आजकल हमारे डोर स्टेप पे पड़ी हुई है. वो इलम जो पहले हम ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में हासिल करते थे, अब हम घर बैठ के ऑनलाइन हासिल करते हैं. हम पहले मार्केट जाते थे, मार्केट से चीज़ें खरीदते थे, आज ऑनलाइन सेल्स लगती हैं, हम वहाँ से चीज़ों को खरीद रहे हैं. हम पहले एक दूसरे से रब्ता खत के जरिए से करते थे या विजिट के जरिए से करते थे, आज जो है एक दूसरे से रब्ता व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक, इन चीज़ों के जरिए होता है. तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को पकड़ लिया है और हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को आसान बना दिया है पहले से हमारे लिए. तो इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो, इलम हासिल करना शुरू करो. इसने तमाम इलम के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं. पहले सिस्टम क्या होता था, आपको किसी चीज़ में मास्टर्स या पीएचडी करना पड़ता था, तो उसके लिए आपको किताबें की ज़रूरत थी, लाइब्रेरीज की ज़रूरत थी, उस्तादों की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था. और उस लंबे प्रोसेस के बाद आप जाके एक स्पेसिफिक इलम हासिल करते थे. लेकिन आजकल किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, सिंपली YouTube पे जाएं, Google पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, ऑनलाइन से वहाँ पे सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो और वो इलम हासिल करके आप दूसरों को दे सकते हो. सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस. तो द वर्ड इंटरनेट, इसको समझो और इसका इस्तेमाल करना शुरू करो. जो इंटरनेट जो लफ्ज़ है ये दो टुकड़ों में जो है तकसीम हुआ है, इंटर एंड नेट. इंटर से मुराद इंटरनेशनल और नेट से मुराद नेटवर्क. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के साथ. आजकल ऐसा दौर है कि आप अपनी जो आइडिया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो सोच है, पूरी दुनिया के सामने आप उसे रख सकते हो. कोई चीज़ है उसके ऊपर आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, आपके पास इजाज़त है, आप पूरी दुनिया के सामने अपनी सोच को रख सकते हो, लोगों को अपनी सोच पहुंचा सकते हो, लोगों को अपनी इलम पहुंचा सकते हो. सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस. और इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो. आजकल हम बाहर दुकान में जाते हैं ना, वहाँ पे वो बिल भी कंप्यूटर पे बनाते हैं, मोबाइल्स हमारे हाथ में. ये देखिए, एक मोबाइल जो है ना, ये कितना छोटा होता है, इतना साइज होगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये इतना छोटा मोबाइल याद रखे कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है. इस छोटे मोबाइल में आप इलम हासिल करते हो, इस छोटे मोबाइल में एक दूसरे से राबता करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप सीखते हो, उस छोटे मोबाइल में आप सिखाते हो, इस छोटे मोबाइल में आप मेमोरी सेव करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप क्या क्या नहीं कर सकते. तो इसको तलाश करना शुरू करो, इसको ढूंढना शुरू करो और फिर इसकी जो सही इस्तेमाल है उसका करना शुरू करो. हीट के हवाले से मैंने बात की, कलब को गर्माने के हवाले से बात की. तो ये द वर्ड हीट जो है ना, इससे मुराद देखें, अब मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है या कोई मैकेनिकल चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो गर्म होती है ना, कला ना कला गाड़ी इंजन सख्त गर्म शी, बोले गर्म शी ख़राब शी. इंसान तब गर्म होता है जब वो ठीक होता है, बाकी चीज़ें तब गर्म होती है जब वो ख़राब होती है. होते ना कभी कभार एक ऐसा जज्बा आ जाता है, कुछ करना है मैंने, वो सामने वाला बंदा कहता है अलग का ढेर से गर्म शो, जज्बा का ढेर आला. वो क्यों आया? क्योंकि इंसान के अंदर जो पैशन था वो ऊपर आ गया, वो उसका जिस्म जो है वो मतलब गर्माइश की तरफ चला गया, उसका जो दिल है वो गर्म हो गया एक जज्बे से कि मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में. सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, फोकस ऑन दीज फोर थिंग्स. अपनी जिस्म की या कलब की उस गर्मी को ढूंढो और वो गर्मी है हेल्थ, एथिक्स और अवेयरनेस, लास्ट वन टेक्नोलॉजी. इन चार चीज़ों को ढूंढो, इन चार चीज़ों को बिल्ड करो, इन चार चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. वादा करते हैं आप सब लोग इन चार चीज़ों का ख्याल रखेंगे. चलो, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.
जज़ाकअल्लाह।